तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपके। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो कि चलती है लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, तो मैं उसके साथ अपनी गाड़ी की एक कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहता था, जिसमें मुझे लगता था कि भाई क्या मैं अपनी गाड़ी लेके स्वर्ण शताब्दी से पहले पहुंच सकता हूं। नहीं, अभी मैं आ चुका हूं लखनऊ में और मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं। क्या हाल है दयाशंकर भाई? बिल्कुल ठीक है। तो दयाशंकर भाई को आप पहचानते होंगे, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है बिकम यूट्यूबर। काफी दिनों से हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैंने सोचा लखनऊ में आके मिले हैं तो दयाशंकर भाई से भी थोड़ी सजेशन ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं स्वर्ण शताब्दी से पहले पहुंच सकता हूँ या नहीं? आई थिंक बराबर का होगा, क्योंकि एक बार हम जा चुके हैं उससे दिल्ली, तो क्या 6 घंटे कुछ लेती है, और यहाँ से दिल्ली भी आपको 6 घंटे लगेंगे। हाँ, लगभग 6-6.5 घंटे उसका टाइम आता है। टाइम क्या हो रहा है दयाशंकर भाई, एक रियल टाइम यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार। अभी टाइम हो रहा है 2:44 अगर आप इसमें दिखाएं, उल्टा आएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2:44 हो रखा है, और 3:30 बजे वहाँ से छूटती है, लगभग 3:35 पे छूटती है लखनऊ जंक्शन से। तो हम अभी जैनेश्वर मिस पार्क घूमे हैं, भीगे हुए हैं दोनों भाई हम तो, ये भाई लोगों ने पीछे कपड़े बदल लिए, हम तो वैसे ठंड लग रही है भाई, खूब इंजॉय किया बारिश के अंदर। तो अभी जा रहे हैं लखनऊ जंक्शन, और वहाँ जाके सारा कुछ अपना बताते हैं, वीडियो में दिखाते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये ट्रेन। जब ट्रेन छूट जाएगी तब हम गाड़ी लेके निकलेंगे। दयाशंकर भाई का चैनल है बिकम यूट्यूबर, एक बहुत ही, मैं काफी दिन से भाई का चैनल देखता हूँ, और जो इनकी वीडियो में सिंपलिसिटी होती है आपको भी देखने में लग रहे होंगे, मेरे से तो काफी छोटी है। कितनी है दयाशंकर भाई आपकी? 19 साल के हैं और BCA कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपने इस वीडियो में भाई को भी शामिल कर लिया जाए। और भाई का चैनल है बिकम यूट्यूबर के नाम से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। और लखनऊ में तो साथ रहने वाले हो ना हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, जब तक आप लखनऊ में हो तब तक। तो मैंने तो दयाशंकर भाई से कहा था कि थोड़ा चलते हैं यार दिल्ली तक, उधर से आपका शताब्दी का ट्रेन आएगा दिल्ली, तो फिर आप हमें घुमाना दिल्ली जैसे हम आपको लखनऊ, हालांकि आप भी हमें घुमा रहे हैं। नहीं नहीं घुमा, हमें यहाँ का ज्यादा रास्ते नहीं पता है, दयाशंकर भाई अच्छे से जानते हैं। तो पहले इन्होंने कहा कि भाई आपको लेके चलते हैं जैनेश्वर मिस पार्क, और एक और दूसरा कौन सा पार्क था वो? अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर पास में। तो दोनों जगह घूमे हैं, बारिश में खूब मजे किए हैं। तो चलिए एक छोटा सा टाइम रैप आपको दिखाते हैं जब तक हम स्टेशन तक जाते हैं, थोड़ा लखनऊ के रास्ते कैसे दिखते हैं। देख रहे हैं आप, मेरे पीछे खड़ी हुई है स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, और मैं खड़ा हुआ हूँ अभी लखनऊ जंक्शन के ऊपर। यहाँ पे आप बोर्ड में थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि फ्रंट फेसिंग कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। ये छूटने वाली है और इसके पड़ेंगे टोटल रास्ते में 5 स्टॉप, जहाँ पे कानपुर में रुकेगी 5 मिनट, और उसके बाद जो 4 स्टॉप पड़ेंगे वहाँ पे 2-2 मिनट का स्टॉप है। मैं पूरा अपडेट करता रहूँगा कि कहाँ रुक रही है ट्रेन और हम कहाँ पे पहुँचे हैं, पूरी डिटेलिंग है। अभी ये यहाँ से छूटने वाली है, जब ये छूटेगी उसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके उठा के चलूँगा और पूरी डिटेल आप लोगों को देता रहूँगा। दोस्तों अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, अगर टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 3:30 हो चुके हैं और 3:35 पे ये ट्रेन यहाँ से छूटेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये टाइम देख रहे होंगे, 3:34 हो चुके हैं और 1 ही मिनट के अंदर ये ट्रेन छूटने वाली है, और उसके बाद जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट होएगी। मैं भी छूटने के बाद ही चलूँगा, देखते हैं हारते हैं या जीतते हैं, क्या होता है यार आगे। हरी झंडी हो गई है भाई, चल दिया ट्रेन, छूटती है यहाँ से, ये आप देख रहे होंगे। और ये दया भाई भी अपनी वीडियो एक बना रहे हैं इधर। दया भाई एक बार टाइम दिखा दो यार, 3:36 हो रखे हैं, ये देखो 24 जुलाई वेडनेसडे। तो भाई देखो ट्रेन निकल रही है पीछे से शताब्दी एक्सप्रेस, और ये लखनऊ जंक्शन का बोर्ड है, और हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी एकदम हमारी चाबी रेडी है, चलते हैं फटाफट से गाड़ी में चल के बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन हारता है कौन जीतता है। यार पहली बार ब्लॉग है यार, देखेंगे क्या होगा आगे का, अभी तो कोशिश पूरी करेंगे। और गाड़ी में ज़्यादा 120 से ऊपर
लेके नहीं जाने वाला। ये जो गाड़ी चलती है, ये चलती है, इसकी औसत स्पीड जो है 77 किलोमीटर पर आवर निकलती है। टॉप स्पीड ये 133 तक जाती है। पूरी डिटेल आपको मिल जाए, 12003 इस जो गाड़ी का नंबर है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। और लाइव लोकेशन जो है वेयर इज़ माई ट्रेन करके एक ऐप आती है, उसके थ्रू मैं सारी डिटेलिंग देता रहूँगा कि ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है और हम कहाँ पे पहुँचे हैं। खाना भी खाना है हमारी गाड़ी में, अभी डीजल भी नहीं है, डीजल भी डलवाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। हमें टोल पे टाइम लगेगा, बेसिकली टोल हमें 4-5 टोल पार करने पड़ेंगे, और जो है ट्रेन रुकेगी मुश्किल से 10 मिनट, 5 मिनट कानपुर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और 2-2 मिनट बाकी के 4 स्टॉप पर रुकेगी। टोटल ही ये 8 और 5, 13 मिनट पूरी ट्रेन रुकेगी रास्ते में। और आपको पता है शताब्दी एक्सप्रेस हो या फिर आपकी राजधानी हो, इनको कहीं भी लाइन क्लियर ही मिलती है, इनके लिए कोई रास्ता नहीं रोकता है। और फास्टेस्ट ट्रेन है लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए। दोस्तों अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ है, आप देख पा रहे होंगे पीछे अभी ट्रेन खड़ी हुई है, फिर से रुकी, कोई रह गया होगा, छूट गया होगा, किसी ने चैन पुल कर दिया। यार इंडिया है, कोई भी चैन पुल कहीं भी कर सकता है। ये देखो जाके अभी रुकी है शताब्दी, छूटते छूटते भी जाके रुक गई है। तब तक हमें और 2 मिनट मिल गए, हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं। यार यहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी है दोस्तों। वैसे तो शताब्दी तो अभी यहीं पे खड़ी हुई है, आपको दिख रही होगी, ये जो आप बोतलें फेंक देते हैं ना खाली करके, ये देखिए यहाँ से इकट्ठा होकर इनमें फिर से रिफ़िल करके बेचा जाता है। आप देखिए कितनी सारी बोतल्स इन्होंने इकट्ठी की हुई है, और ये कहीं स्क्रैप नहीं होंगी यार। इधर भी ये सारे जो बैग्स हैं, ये इनमें सारे में प्लास्टिक बोतल्स भरी रखी हैं यार। और आप ये सोच के ख़रीदते हो कि हम फ्रेश पानी खरीद रहे हैं, प्योरीफायर वाला खरीद रहे हैं, ये पता नहीं कैसा कैसा आता है। और रेल नीर की बोतलें हैं ज़्यादातर। उनका खाना खाने का भी वेट करना है, 5-7-10 मिनट हम और लेट हो जाएंगे। चलो बैठते हैं, दयाशंकर भाई बैठो बैठो यार। दोस्तों ये है लखनऊ का स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन बोलते हैं इसको, और आप इसकी जो बनावट है वो देख पा रहे हो कि कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। मुझे मन किया कि चलो आप लोगों से अगर सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है तो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। एंजॉय कीजिए। कर दिया है मैंने जो टैकोमीटर है, और आप फ्यूल भी देख पा रहे होंगे, फ्यूल बिल्कुल कम हो रखा है, हमें डीजल भी लेना है। और माइलेज वगैरह पूरा चेक करने वाला हूँ पूरी ट्रिप में कि कितना माइलेज गाड़ी निकाल के देती है। और ये लगा हुआ है अपना गोप्रो, इसके थ्रू मैं शूट करता रहूँगा और मोबाइल में मैं आपको दिखाता रहूँगा कि भाई ट्रेन कहाँ पर पहुँची है। तो ये पेट्रोल पम्प पे है भाई, अपना डीजल फुल करा रहे हैं, पहले करा लेते हैं। इधर अभी देखना, धीरे धीरे हमारा जो मीटर है आपको पता चला जाएगा, जो भी करना है यहीं कर लेंगे। अभी तक लखनऊ में ही है और 4:12 हो गए, ट्रेन तो यार 3:35 पे छूट गई थी, पता नहीं अभी कहाँ पहुंचेंगे, किस टाइम तक होएगा। इधर देखिए हमारी टंकी हो चुकी है फुल, अभी हम चले हैं केवल 1.6 किलोमीटर, जब से 0 किया है मीटर 4:14 हो चुके हैं। अब वैसे हमें रुकना नहीं पड़ेगा कहीं ज्यादा। और फ्रेंड्स जहाँ पे अभी हम है यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर बाद एक्सप्रेस वे शुरू होगा। जाम तो हमें 15 किलोमीटर तक ही मिलेगा, जो भी मिलेगा हल्का हल्का थोड़ा बहुत जो भी कुछ जाम मिलेगा, थोड़ा टाइम रैप चलाते हैं उसमें देखते रहना। चार बज के 20 मिनट लखनऊ में ही अभी फंसे हुए हैं भाइयों। जो ट्रेन है हमारी वो कानपुर पहुंचने वाली है, और हम अभी तक ये आपका लखनऊ में ही फंसे हुए हैं, क्या बता दें। दिखाना कहाँ है ट्रेन वाला सुमित मैप, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ट्रेन जो है वो कानपुर के करीब पहुंचने वाली है और हम अभी यहाँ पे यहीं पे हैं। ट्रेन भाई ट्रेन से कैसे कंपेयर करेंगे, मुझे तो लगता है हारने वाले हैं रेस। देश का सबसे लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। यहाँ से अपना जो है गैप कवर करेंगे यार, फटाफट से कोशिश करेंगे पूरा गैप, जो भी गैप हमारा हो रखा है उसे कवर कर लें। कितना है भैया आगरा? दरअसल क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे चिल्लर इस पे टोल टैक्स पे मिल जाते हैं, बहुत सारे
और मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई कागज़ वाले दे देना, क्योंकि संभालने मुश्किल हो जाते हैं चिल्लर। तो पैसे आ गए हैं, अपना टोल टैक्स कट चुका है, अब निकलते हैं आगे की तरफ। अभी टोल तो नहीं पड़ेगा आगे कोई, फिर नहीं आगरा तक नहीं पड़ेगा, आगरा तक अभी कोई टोल नहीं पड़ने वाला है। चलो चलते हैं, लेट्स बिगिन द जर्नी। ट्रेन हमारी कहाँ पहुँची है सुमित? जब हम अभी टोल पे हैं तो मैं एक मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ ट्रेन कहाँ पहुँची है। अभी पहुँच चुकी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मगरवारा कोई जगह है, और उसके बाद कानपुर पुल बाया किनारा, और उसके बाद कानपुर सेंट्रल पहुँच जाएगी लगभग लगभग ये 5 बजे, और 4:39 इस टाइम पे हो रखे हैं दोस्तों, हो जाए 4:40 हो चुके हैं, और ट्रेन जो है वो कानपुर पहुंचने वाली है शताब्दी एक्सप्रेस। अभी हम पहला टोल कटवाया है। क्या जिंदगी है यार, हारेंगे मुझे तो लगने लगा है। गाड़ी 120 से ऊपर नहीं ले जाऊंगा मैं, अभी मैं दूसरे फोन से अगर वीडियो बनाऊं तो पूरी 120 चल रही है। पीछे मीटर भी आया था, जो ये कैमरे लगे होते हैं ना एक्सप्रेस वे पे, वहाँ पे एक उसमें भी आ गया कि 120 चल रहे, ऊपर रेड कलर का आया, क्योंकि 100 km/h की जो है यहाँ पे लिमिट है, और अब 270 वाला आ गया, 270 किलोमीटर रह गया आगरा, तो 100 से ऊपर जाते ही वो रेड कलर बता देता है। यहाँ पे अगर आपने स्पीड की ओवर लिमिटिंग करी ना कि भाई ओवर स्पीड से चले यहाँ पे, तो आपके घर चलाना जाता है, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं आएगा, आपके घर पे आपके गाड़ी का नंबर नोट हो जाएगा, वहाँ चलाना पड़ेगा। तो इसलिए हम गाड़ी भगा भी नहीं सकते हैं यार, चलो ट्राई करते हैं। 139 तो सही है अभी इटावा दोस्तों, हमारे लिए 71 किलोमीटर अभी इटावा है, और ट्रेन के लिए 139 किलोमीटर, क्योंकि हमने कानपुर पार्क कर लिया है, हमने अभी लीड दे ली है शताब्दी को, शताब्दी अभी थोड़ा पीछे हमसे लगभग लगभग होगी 20 किलोमीटर पीछे। एक्सप्रेस वे पे कहीं भी ब्रेक नहीं लेने, लेकिन अभी टायर भी गर्म हो रहे होंगे, और बहुत देर से मैं कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा सा गाड़ी रोकते हैं, थोड़ा जाते हैं अपना करते हैं अपना हल्का फुल्का। तो भाइयों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो कोई पत्थर आके लगा, ये पहले तो बोनेट पे यहाँ पे टकराया आके, मैं वाइड एंगल कर देता हूँ थोड़ा, ये देख रहे हैं गाड़ी का बोनेट है, तो पहले यहाँ पे टकराया, यहाँ टकराया, उसके बाद यहाँ पे आप निशान देख रहे होंगे, ये वाला जो निशान है ना, ये वाकई में काफ़ी डीप है यार, देखो, और यहाँ के बाद जो निशान है इधर पड़ा हुआ है छत पे, पत्थर मोटा वाला पत्थर आके टकराया यार गाड़ी। तो गोली भाई अपने हो लिए फ्रेश, और ट्रेन कानपुर से निकली है, अभी हम ट्रेन को लीड दे चुके हैं थोड़ी बहुत, लगभग 20-30 किलोमीटर की लीड है, और उसके बाद की डिटेल अभी बताते हैं, और हाइपरलैप्स में एक और वीडियो बनाता हूं, आप देखते रहिएगा यार। बारिश आ रही है, बारिश में स्पीड मेंटेन करना मुश्किल है, अभी भी मुझे लग रहा है कि हमने लीड दे रखी है हर गाड़ी को। जो ट्रेन है शताब्दी कहाँ पहुंच गई सुमित? कचोसी या नहीं, इटावा से 62 किलोमीटर पहले, इटावा से 62 किलोमीटर है, और हम अभी इटावा से हैं लगभग लगभग 30 किलोमीटर पहले, तो हम अभी जो शताब्दी है उससे आगे चल रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली वाला ट्रैफिक है वो हमारी ले लेगा। चलो आगे अपडेट देते रहेंगे, बाकी आप देख ही लो चारों तरफ के नज़ारे। ये गोली बैठा हुआ है अपना भाई,
उधर पीछे सुमित है, इधर मैं तो गंजा हूँ ही, और ये रोड चली रही है और स्पीड की देख लो अब 110 ही होगी, मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात है, दूर तक एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी आपको, आपको ट्रैफिक की चिंता ही नहीं है यहाँ पे। नोएडा के बाद असली खेल शुरू होगा, तब देखते हैं हम जो हमने लीड ली है उसे कवर अप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। भाई अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, हमने एक एक बर्गर लिया है, भूख लग रही थी तीनों लोगों को, भाई थोड़ी चटनी डाल दे प्लीज, मजा आ गया यार, चीज बर्गर है और खा के थोड़ा सा सुकून मिलेगा, उसके बाद रेसिंग तो देखते रहेंगे। पर ये नहीं है कि हमें हारना है या जीतना है, ये है रेस लगानी है और मुझे उम्मीद है कि अब हम जीतेंगे। तो भाइयों ट्रेन जो है अभी शताब्दी जो है वो इटावा पहुंच चुकी है और हम इटावा से हैं अभी 10 किलोमीटर दूर, क्योंकि हमें अभी भूख लग रही थी तो बर्गर वर्गर खाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो अभी थोड़ा कवर अप करते हैं। गाड़ी हमारी चल चुकी है 200, यहाँ से देख लो 294 किलोमीटर और 12.6 का माइलेज दे रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पे लगी हुई है और मैं गाड़ी खींच रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, 12.6 का माइलेज दे रही है नेक्सॉन, और ये 7:03 आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे भी। बस गाड़ी मतलब कुल मिला के बात यह है, अभी जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो हमसे पीछे रह चुकी है, आगरा जाके अगली अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो हमने लास्ट वाला टोल था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वाला वो पार किया है, और वहां पे हमें पता चला हमारी गाड़ी दो जगह गई है 110 किलोमीटर के पार में, तो उसने जो भाई थे संजू भाई उन्होंने माफ भी कर दिया है, कहने लगे यार अगली बार ध्यान रखना, मतलब अगर आप 100+ अगर चलते हो ना तो आप जैसे ही लास्ट वाले टोल पे पहुंचोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई गलती की हुई है कहीं पे, तो उसका टोल जो भी आपका चलान वाला है यहीं पे कैश से भरना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन हमारा इतना नहीं था यार, 100 में 110 चल जाता है, गाड़ी में लेके गया हूँ 120 तक भी, और अभी हम चढ़ने वाले हैं यहाँ के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे। और सुमित ट्रेन कहाँ पहुंची अभी? ट्रेन वहीं पे है, बादान है, बादान में रुकी हुई है कहीं पे शताब्दी एक्सप्रेस, और लगभग 10:15 तक पहुंच जाएगी, और मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ टाइम क्या हो रखा है, ये टाइम देख लो भाई आप, 7:08 हो रहे हैं अभी, 7:03 पे भी आपसे बात की थी, और गाड़ी हमारी लगभग 298 किलोमीटर चल चुकी है और 12.6 का माइलेज दे रही है। आगे जाके बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो भैया बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और हम अभी जो है यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं, और यहाँ के बाद देखते हैं अभी ट्रेन में अभी कोई भी नहीं है, सबको एक नंबर लगा हुआ है, दोनों के दोनों जो गोली है भाई में, भाई साथ में है जो गोली वो भी अभी करने गया है, और जो भाई है साथ में सुमित वो भी यही करने गया हुआ है। जैसे ही आते हैं मैं आपको अपडेट देता हूं कि ट्रेन कहां पे पहुंची है और हम यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं। मुझे लगता है लगभग हम 50 किलोमीटर का गैप दे चुके हैं ट्रेन को, आई होप कि ट्रेन से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी हमें 3 टोल टैक्स पे भी जाना है, और जो ये 50 किलोमीटर वाला गैप है ना ये थोड़ा सा कम होने लगेगा जैसे ही हम नोएडा से दिल्ली की तरफ चलेंगे, जब हमें ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो रेस करनी थी वो करनी थी लखनऊ जंक्शन से लेके नई दिल्ली तक NDLS तक, और वो जो ट्रेन का ड्राइवर है ना मैं आपको एक बात बता दूं वो भी मुझे पहचानता है, जब मैं वहां पे वीडियो बना रहा था जो मैंने शुरू में स्टार्ट की तो वो भी देख रहा था, उसने बाद में पूछा क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो, मैंने उससे कहा भी कि भाई दिल्ली मिलने वाले हैं या तो आपसे 2-4 मिनट बाद या 2-4 मिनट पहले, अंतर सिर्फ इतना ही पड़ना है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ 10 मिनट से ज्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे मैं हारूं
या ट्रेन आ रही, 10 मिनट से ज़्यादा का अंतर नहीं रहने वाला है। तो चलिए आगे अपडेट करता रहूँगा। तो भाइयों हम आ गए हैं दोबारा से पेट्रोल पंप के ऊपर और डीजल हमारा हो चुका है ख़त्म, गाड़ी चल चुकी है, ये देख लो कितनी चल गई है वो बता रहा हूँ आपको। और अभी हमें भरवाना पड़ेगा डीजल क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इस गाड़ी के पीछे लगा लो भाई। पर अभी टाइम देख लो यहाँ पे 8:12 हुए हैं और हम मथुरा टोल पे पहुँच गए हैं। और मथुरा टोल के बाद जो है ये हमारा पेट्रोल पंप पड़ता है और यहाँ के बाद हमें लगभग एक घंटा लगने वाला है। हम 9:30 तक लगभग दिल्ली स्टेशन पे पहुंच जाएंगे मुझे तो लग रहा है ऐसा। तो भाइयों ये आ गया है हमारा जेवर टोल, हम पहुंच गए हैं जेवर टोल पे और टाइम अभी देख लो, टाइम हो रखा है 8:53 और जो हमारी ट्रेन है वो है, अभी सुमित भाई ने हमें बताया कि भाई सुमित भाई कहाँ पहुंच गए, ट्रेन अलीगढ़ पहुंचने वाली है, अलीगढ़ अभी पहुंचने वाली है। हम ट्रेन से थोड़ा एडवांस चल रहे हैं भाई, टोल वाली पर्ची मेरे पास है, मेरे पास भाई ये वाली लगेगी। तो भैया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर ये बोर्ड लगा हुआ है आपको अगर दिखाई दे रहा हो, तो हम तो पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल नोएडा, ये नोएडा दिल्ली नोएडा। और हम किस टाइम पहुंचे हैं ये देख लो, 9:17 हो रखे हैं बिल्कुल एडजेक्ट। और जो ट्रेन है जो शताब्दी ट्रेन है ये देखो ये कहाँ पहुंची है वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ पहुंच गए भाई, सोमना मतलब ये निकल चुकी है अलीगढ़ से, निकल चुकी है अलीगढ़ के बाद अलीगढ़ जनसंघ फिर मेहरावल फिर कुलावा, पर अलीगढ़ भी ये लगभग 8:10 पे पहुंचनी थी और 9:07 पे पहुंची है, मतलब थोड़ी लेट है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे इसका जो दिल्ली पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम है वो 10:15 का है और अभी हो रहे हैं 9:18। मेरा जो टारगेट है वो 10:15 से पहले दिल्ली पहुंचने का है, ट्रेन शायद आज थोड़ी लेट हो जाएगी और ये पहुंचेगी लगभग 10:50 पे लिख रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। लेकिन मैं आपको पूरा टाइम डिटेलिंग के साथ दूंगा मैं कब नई दिल्ली स्टेशन पहुंचता हूं और क्या रहा क्या नहीं रहा। ट्रेन अभी यहां के बाद अलीगढ़ के बाद सिर्फ इसका गाजियाबाद रुकना है और मेरे ख्याल ये कवर कर लेगी और ये जहां तक मुझे लग रहा है 10:20-10:25 तक पहुंच जाएगी क्योंकि अलीगढ़ से गाजियाबाद के बीच ही ये जो ट्रेन है ये अपना जो डिस्टेंस है मोस्टली कवर करती है। तो चलो चलते हैं यार, हमें तो फिर भी 10:15 तक पहुंचना ही पहुंचना है हर हाल में। यहां से मैं दिल्ली की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ता हूं, बाकी तो गाने सुनते सुनते मजा आ ही रहा है यार, पूरा फुल एंजॉय में गाड़ी चला रही है। और हाँ यहाँ जो दिल्ली की जो अभी जैसे हम दिल्ली में घुसे हैं मतलब नोएडा में घुसे हैं प्रॉपरली, तो नोएडा से जो है अभी तो एक्सप्रेस वे मिलेगा और अक्षरधाम तक हमें मिलने वाला है नॉर्मल ट्रैफिक, लेकिन नॉर्मल ट्रैफिक बंद हो जाएगा अक्षरधाम के बाद। अक्षरधाम से जो नई दिल्ली तक हम जाएंगे वहां पे हमें बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक मिलने वाला है, तो हमारा भी टाइम लिमिट थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो दोस्तों बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े ट्रैफिक के सीन के, यहाँ पे जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है उस पे किस तरीके का ट्रैफिक चल रहा है। 9:15 यार, वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो चुकी है, प्लीज़ बुरा मत मानना कि ट्रैफिक की हालत, तो ये हमारी स्पीड डिक्रीज कर देगा कहीं ना कहीं 40-50 तक, यहाँ तक हमारी स्पीड आ जाएगी। और अलीगढ़ से जो ट्रेन छुट्टी है वो अपनी स्पीड जो है अभी इंक्रीज करने वाली है, उसकी स्पीड बढ़ने वाली है और हमारी घटने वाली है। तो लगभग हम 10:15 से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक घंटा यहाँ से लगभग होगा हमारा जो नई दिल्ली स्टेशन है वो 40-45 यहाँ से पड़ना चाहिए जहाँ पे अभी हम हैं, और 40-45 में एक घंटा आराम से निकल जाता है यार।
दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं आईटीओ पे। आईटीओ वाला जो ट्रैफिक है वो आप देख ही पा रहे होंगे, और आईटीओ से लगभग लगभग पड़ता है 6-7 किलोमीटर हमारी दूरी बची है अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हो रहे हैं 9:46। मैं आपको स्टेशन पे जाके एक्चुअल टाइम दिखाऊंगा गूगल के थ्रू के हम किस टाइम पहुंचे हैं। तो ये ट्रैफिक सिग्नल जो है ये हमारा हो चुका है बिल्कुल ग्रीन, और लाइटिंग बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं कितनी देर में, मेरे ख्याल हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे मुश्किल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, वहीं चल के बात करते हैं। ये मेरा थार, बोलो थार। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ गया है, ये बोर्ड भी आपको दिख गया होगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और अभी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट क्या टाइमिंग हो रखी है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे 9:52 है। और जो हमारी ट्रेन है ट्रेन का मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ट्रेन अभी पहुंची है, ये लास्ट ट्रेन अभी गाजियाबाद से भी अभी दूरी पे है, गाजियाबाद पहुंचेगी 10:19 पे। और हम हैं अभी टाइम अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये 9:53 इसमें दिखा रहा है और 9:52 मेरी गाड़ी में दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आपको मैं एग्जैक्ट टाइम दिखाता हूँ गूगल के थ्रू, तो गूगल क्रोम कहाँ गया भाई हमारा, गूगल क्रोम पे देखते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ लिखते हैं WHATS व्हाट्स द टाइम। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे वेडनेसडे 24 जुलाई है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये मैंने आपके सामने ही गूगल पे सर्च किया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 9:53 PM और ऊपर भी 9:53 PM आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रवेश मार्ग ब्रेक पिक एंड ड्रॉप, मुझे लगता है अभी तो कोई फायदा नहीं है स्टेशन पे जाने का, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है यहाँ अगर इस वाली ऐप में आप देखेंगे तो अभी गाजियाबाद भी नहीं पहुंची है, और इसका जो दिल्ली पहुंचने का टाइम है वो 10:51 का है। 10:15 से हम लगभग 23 मिनट पहले, 22 है ना, चलो भाई टैकोमीटर 536 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है जब से जीरो किया है, और 14.3 का माइलेज दिया है। स्पोर्ट्स मोड पे मैंने बहुत खींच के गाड़ी चलाई है, 100 से ऊपर अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसका जो है माइलेज थोड़ा घट ही जाता है यार। दोस्तों इस पूरी जर्नी के दौरान मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमने कम से भी कम 2 जगह तो भरवाया है डीजल, डीजल फिल कराने में भी हमें लगभग 10 मिनट लगे सुमित, 10 मिनट के करीब तो लगे। और उसके बाद हम भूख भी लगी हुई थी, वहां पे हमने बर्गर भी खाया। अगर ये सब काम ना हम करते और कंटिन्यू चलते तो हम लगभग 9:30 अप्रोच कर जाते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को। ट्रेन भी रुक रही है, लेट हो रही है, लेकिन 10:15 से हम पहले ही पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ हमें कई जगह पे, जैसे हम लखनऊ से निकलने में बहुत पिछड़ गए थे, जो हमारी ट्रेन उन्नाव पहुंच चुकी थी, जो शताब्दी एक्सप्रेस है, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस है, और हम तब तक लखनऊ में ही जाम में फंसे हुए थे। वहां पे बहुत बुरा जाम लगा लखनऊ में, तब लग रहा था शायद हार जाएंगे, आपने भी देखा होगा। और जैसे ही हम नोएडा से घुसे दिल्ली के अंदर आईटीओ के पास से, फिर हमें जाम मिलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी हम बिफोर 23 मिनट्स पहुंच गए हैं यार नई दिल्ली स्टेशन। तो फ्रेंड्स जो आज की हमारी जर्नी थी वो सक्सेसफुल रही है, क्योंकि हम 9:53 पे ही पहुंच गए हैं नई दिल्ली स्टेशन। आपको पता होगा किस टाइम हम चले हैं, पूरी आपको वीडियो डिटेलिंग दी है, वीडियो कैसी लगी। अगर 10:15 भी ट्रेन आती तो भी हम उससे लगभग 20 या 22 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम आराम से इसे अप्रोच कर सकते थे। और एक दो जगह गाड़ी की जो मीटर की सुई है वो काफ़ी ऊपर भी चली गई थी, लेकिन उतना भी ऊपर नहीं गई थी कि भाई कोई ओवर स्पीडिंग हमारा चलान वगैरह हो जाए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और अगर मेरे से कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा लेना है मेरे यार। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, नई दिल्ली स्टेशन गुड बाय, वी विन।